नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। आइए नजर डालते हैं इंदौर की पांच बड़ी खबरों। इंदौर नगर निगम द्वारा बुजुर्ग को साथ की गई अमानवीयता के मामले, दुनिया भर में थू होने के मामले में निगम अधिकारी लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं। इस मामले में प्रजातंत्र न्यूज पेपर ने बड़ा खुलासा किया। प्रजातंत्र की खबर के अनुसार नगर निगम अपर आयुक्त MY अस्पताल जाकर भिक्षुकों से मिले और फिर ट्रॉला शिप्रा पहुंचाया गया। इस तरह से भिक्षुकों को शिप्रा ले जाने के मामले में बड़े जिम्मेदार अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, जिन्होंने हंगामा मचने के बाद खुद को बचाते हुए उपायुक्त प्रताप सोलंकी को सस्पेंड कर दिया, जबकि वो अपर आयुक्त श्रीवास्तव ही थे जिनके आदेश पर MY से भिक्षुकों को ट्रॉले में लादा गया था और देवास की ओर ले गया, जहाँ दो लोगों को उतारने के बजाय निगम कर्मियों ने सभी को सामान सहित उतार दिया। बड़ी बात यह है कि जो साथ गया उसमें से कोई भी निलंबित नहीं हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नगर निगम पंच लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वहीं अब तक इंदौर 2 साल से 5-स्टार रेटिंग लेकर ही संतोष कर रहा है। इस बार 7-स्टार के लिए वाटर प्लस सर्टिफिकेट जरूरी, वो तभी मिलेगा जब इंदौर के नदी नालों में सीवरेज नहीं मिले। हालांकि नाला टेपिंग के कार्य को लेकर सांसद शंकर लालवानी और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने दौरा कर कार्य पर संतुष्टि जाहिर की, लेकिन दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट नाला टेपिंग के दावों की हकीकत को उजागर कर दिया, जिसमें कई खामियां सामने आई। हालांकि निगमायुक्त प्रतिभा पाल बुधवार पलासिया नाला पहुंची और काम में हुई देरी को लेकर अपर आयुक्त संदीप सोनी से सवाल किए। निर्देश दिए कि अब हर नाले के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए काउंटडाउन लगाया जाएगा। इंदौर में कोरोना महामारी में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी ट्यूशन फीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन, CBSE बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड CBSE स्कूल के साथ ICSE बोर्ड को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि स्कूल ट्यूशन फीस को अनुचित बताते हुए जागृत पालक संघ के सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय की जबलपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें राज्य शासन, CBSE बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड CBSE स्कूल के साथ ICSE बोर्ड को भी पक्षकार बनाया गया था। इसमें हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली जा सकती है। इसी के विरुद्ध पालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इंदौर के परदेशपुरा क्षेत्र से बाइक चुरा कर ले जा रहे कंजर गिरोह के 5 बदमाशों का MIG थाने के 4 जवानों से सामना हो गया। पुलिस ने कंजरों को देखकर ललकारा तो बदमाश भी आमने सामने हो गए। एक सिपाही ने जैसा ही लट फेंक कर मारी तो एक बदमाश ने तलवार निकाल ली। सिपाही ने हिम्मत दिखाकर बदमाश पर हमला कर दिया। बदमाश 15 मिनट तक हवा में तलवार लहराने के बाद फरार हो गए। दरअसल पुलिस को कंजर गिरोह द्वारा बाइक चुराने की सूचना मिली, इसी के आधार पर घेराबंदी की गई, लेकिन हथियारों के बल पर बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई। इंदौर नगर निगम के खजाने को भरने के लिए निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को बकायादारों से सख्ती से वसूली करने का आदेश दिया है। 1 लाख से अधिक की संपत्ति कर की राशि जिनकी भी बकाया है, उनके खिलाफ अब संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगा। ये निर्देश निगमायुक्त ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। कचरा प्रबंधन शुल्क का टारगेट पूरा करने पर अपर आयुक्त के साथ ही बिल कलेक्टरों को भी सम्मानित किया गया। हालांकि इंदौर देश का पहला शहर है जिसने 31 दिसंबर 2020 तक कचरा प्रबंधन शुल्क की रिकॉर्ड वसूली की। इसके तहत कचरा प्रबंधन शुल्क की डिमांड का 75% रहवासी क्षेत्रों से और 90% व्यावसायिक क्षेत्रों से वसूला गया है।